नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है और साफ हो गया है कि अखिलेश यादव पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे। अखिलेश को पता है अगर बीजेपी को आगामी चुनाव में हराना है तो फ्रंट फुट पर रहना पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा और विधानसभा में सरकार की घेराबंदी करनी पड़ेगी। हालांकि आज जो काम समाजवादी पार्टी ने किया है यही काम 2017 में करना चाहिए था तो शायद अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं मुख्यमंत्री होते। समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, मतलब साफ है कि अखिलेश यादव विधानसभा में सीएम योगी के सामने विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जो 2017 में नहीं निभा पाए थे। समाजवादी पार्टी के आज विधायक दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुने गए, सर्वसम्मत से चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष की कार्यवाही विधानसभा में होगी। पिछले 5 साल सपा विपक्ष में क्यों रही फेल? दरअसल पिछले 5 साल सपा विपक्ष की भूमिका में रही लेकिन कुछ कर नहीं पाई। सपा के कार्यकर्ता तो योगी सरकार घेरते रहे लेकिन अखिलेश यादव बहुत कम ही जमीन पर उतरे। खैर, अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए लगातार सरकार को घेरते रहे लेकिन जनता ने सोशल मीडिया की एक्टिविटी को दरकिनार कर दिया। इस बीच कोरोना का समय भी आया लेकिन अखिलेश यादव बाहर नहीं निकले। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार जमीन पर उतर चुकी थी, सीएम योगी खुद यूपी के कई जिलों का दौरा लगातार करते रहे और सबसे ज्यादा यूपी के जिलों का दौरा करने की डिग्री भी अपने नाम कर ली। चुनाव से पहले अखिलेश ज्यादा एक्टिव क्यों हुए? चुनाव की तारीखों के 3 महीने पहले सपा की रणनीति अब धीरे धीरे बदल रही थी। इस विधानसभा चुनाव में सपा को उम्मीद थी कि वो सत्ता में आराम से लौट जाएगी। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले अखिलेश एक्टिव हुए और लगातार प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दिए। इस बीच बीजेपी के कई नेता और 2 बड़े मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ अखिलेश के साथ जाने का फैसला किया। बीजेपी को जब अखिलेश ने ये झटका दिया तो सपा के पक्ष में माहौल मानो 4 गुना बढ़ गया हो। लेकिन अखिलेश यादव के इन नेताओं के आने से कोई फायदा नहीं हुआ जितनी अखिलेश यादव को उम्मीद थी और परिणाम ऐसा रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर से चुनाव हार गए। अब क्यों नेता प्रतिपक्ष बने अखिलेश? इस बार अखिलेश यादव पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव को पता है कि अगर सत्ता में आना है तो जमीन पर उतरना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में आवाज उठाने का फायदा अलग होता है। अखिलेश को पता है सदन में सरकार को घेरेंगे तो जनता के बीच छवि अलग रहेगी जिसको अखिलेश यादव को तलाश है। इसलिए अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले लोकसभा से इस्तीफा दिया और फिर विधायक दल की बैठक की, लेकिन इस बैठक को लेकर फिर से चाचा भतीजे में दूरी की झलक देखने को मिली है जो पिछले 5 सालों तक रही, लेकिन चुनाव के बीच अखिलेश और चाचा शिवपाल साथ आ गए थे। अब विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। हालांकि सपा ने इस पर बयान जारी कर कहा है कि यह सिर्फ सपा विधायकों की बैठक थी। सहयोगी दलों की बैठक 28 मार्च को होगी। हमारे सभी सहयोगी दल के माननीय नेताओं को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सहयोगी दलों के विधायकों को 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने आमंत्रित किया है। समाजवादी पार्टी की सीट पर जीतकर आने वाले शिवपाल यादव को क्या अब भी सपा सिर्फ सहयोगी मान रही है या अपनी पार्टी का हिस्सा, ये सवाल बड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।